वैसे तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर आप कम समय में ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हैं तो जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंस्टा पर रील्स बनाने वाले हैं या फेसबुक पर रील्स बनाने वाले हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव मेरे पास है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो हो सकता है अगले 100 दिनों के अंदर, यानी जब तक सितंबर का महीना आएगा, आप किसी अच्छे पायदान पर खड़े होंगे। तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनिए। पहली बात, अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी आपका पहले से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोग एक काम शुरू कीजिए, रोजाना 6 से 7 वर्टिकल वीडियोस जिनकी ड्यूरेशन 55 सेकंड या उससे कम हो, उन्हें शूट करके यूट्यूब पर शॉर्ट्स के रूप में, उसी वीडियो को फेसबुक पर रील्स के रूप में और उसी वीडियो को इंस्टाग्राम पर रील्स के रूप में अपलोड करना शुरू कीजिए। अगर आप बेहतर ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं तो एक ही नाम रखिए चैनल का, वो फेसबुक पर भी वही हो, इंस्टा पर भी वही हो और यूट्यूब पर भी वही हो। रोजाना आपको 55 सेकंड या उससे कम के 7 वीडियोस अपलोड करने हैं और ऐसा आपको अगले 100 डेज तक करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100 दिनों के बाद आपके पास करीब 700 वीडियोस तैयार होंगे। और दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे गांठ बांध कर रख लीजिए, सितंबर के आसपास ऐसे चैनल्स जिनके पास 700 से 1000 शॉर्ट्स हैं, उन्हें यूट्यूब प्रमोट करने वाला है। फेसबुक भी ऐसे रील्स को प्रमोट करने वाला है जो फेसबुक पर एज अ रील अपलोड किए गए हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर तो रील्स का जो जलवा है वो आप देख ही रहे हैं। अगर ये तैयारी आप आज से शुरू करते हैं तो 3 महीने बाद आप ठीक ठाक रेवेन्यू क्लेम कर पाएंगे अगले आने वाले कुछ हफ्तों में। तो इस बात को ध्यान से समझ कर चलिए। और एक और बात, जब आप यूट्यूब पर अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो अपलोड शॉर्ट्स चूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो ऑप्शन दिखाएगा वो 15 सेकंड का दिखाएगा। आपको अपलोड वीडियो में जाना है और 55 सेकंड से कम का वीडियो अपलोड करना है। ऐसा करते समय आपका जो वीडियो है वो खुद ही शॉर्ट्स के रूप में ही अपलोड होगा। वर्टिकल वीडियो शूट कीजिए पोर्ट्रेट मोड में और अभी से शुरू हो जाइए। अगर आप आज तैयारी शुरू करेंगे तब 3 महीने बाद आप किसी जगह पर खड़े होंगे। आप कोई भी एक कैटेगरी चुन सकते हैं या फिर कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें चुन सकते हैं जिन्हें आप 50 से 55 सेकंड में ज़रूर कहें। जब भी आप वीडियो शूट करें, लेंस लुक देकर शूट करें, और हाँ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग उस कंटेंट में ज़रूर रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको पूरे 50 या 55 सेकंड तक ज़रूर सुने। क्योंकि टिकटॉक के जाने के बाद ये जो पूरा मैदान है वर्टिकल वीडियोस का, वो अभी तक खाली है। इंस्टाग्राम के रील्स आए हैं लेकिन उतने पॉपुलर नहीं हो पाए जितना टिकटॉक था, और यूट्यूब और फेसबुक की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अभी भी हाथ पांव मार रहे हैं इस एरिया में खुद को जमाने के लिए। और इसीलिए उन्हें ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत है जो पहली बात नए हों, फ्रेश फेसेस हों, दूसरा वर्टिकल वीडियोस करें, और हाँ, ये भूल मत कीजिएगा कि अपने उसी चैनल पर आप नॉर्मल वीडियोस भी करने लगे। अगर आप नॉर्मल वीडियोस करना चाहते हैं जो 1 मिनट या उससे बड़े होते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए दूसरा चैनल शुरू कीजिएगा। इस चैनल को डिस्टर्ब मत करना, इस चैनल को आप डेडिकेटेड रखना सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वीडियोस के लिए। और उसके बाद 3 महीने बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको कितनी सक्सेस मिली है। आगे भी कोशिश रहेगी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता रहूँ। ये वो सारे टिप्स हैं जो मुझ तक पहुँचते हैं मेरे खास सोर्सेस के जरिए, और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने अनुभव के जरिए जानी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, इस तरह के और भी कई सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जो आपको समय समय पर ऐसे टिप्स देते रहेंगे।